हेलो, नमस्कार दोस्तों। 25 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक बार नजर मार लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साइड में जो छोटा एडिटोरियल है ये है बेसिकली एनपीए के बारे में, कि एनपीए में किस तरीके के रिफॉर्म वगैरह लेके आने हैं, किस तरीके से जो एनपीए का इश्यू है उसको सेटलमेंट करना है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल ही आया है ईरान के बारे में। इस आर्टिकल में काफी सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस किए हैं ईरान के बारे में, जो ईरान न्यूक्लियर डील है इसके बारे में भी, यूएसए का एंगल भी डिस्कस किया गया, रशिया का भी, तो सारे डायमेंशन हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये आया है स्मार्ट अर्बनाइजेशन के बारे में, कि अर्बन एरिया में किस तरीके से हमें रिफॉर्म है वो लेके आने हैं, क्योंकि उससे रूरल एरिया पे भी काफी ज्यादा प्रेशर है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है वर्ल्ड कप से लेकर था फीफा के, तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, तो इसे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली शशि थ्रू को लेकर इंटरव्यू डिस्कस किया गया है मॉब लिंचिंग के बारे में, तो उसमें 2-4 पॉइंट्स हैं, तो उनको हम एक्चुअली कल के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज नोट्स बनाने में काफी डिले वो हो गया था। यहाँ पे जो ये आर्टिकल आया है बेसिकली स्टार पावर के बारे में, कि जो स्टार होते हैं, मतलब जो फिल्मी स्टार वगैरह, ये जब भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं तो उससे हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ रहे हैं, तो उसके बारे में 2-4 पॉइंट्स हैं, तो इससे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टिकल वो एनपीए को लेकर है, तो एनपीए के बारे में जो भी इश्यूज वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि सारा जो माजरा क्या है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया गया कि देखो एनपीए ना उसकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो ये समस्या केवल पब्लिक सेक्टर बैंकों की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनकी हालत भी काफी खराब हो रखी है। अभी आरबीआई के पास एग्जैक्ट डाटा तो नहीं था, क्योंकि आरबीआई को भी तो ऑब्वियसली बैंक ही डाटा प्रोवाइड करते हैं ना कि भाई हमारे पास इतना एनपीए है, तो बैंकों ने अभी आरबीआई के पास करेक्ट डाटा दिया नहीं था कि हर बैंक के पास इतना इतना एनपीए हो रखा है। तो आरबीआई ने बैंकों से कहा कि भी आप हमें एक बार डाटा तो दीजिए कि हमें पता चले कि ऑल ओवर इंडिया में सभी बैंकों के पास एनपीए की हालत है वो कैसी है, मतलब एक रियल तस्वीर है वो सामने आ जाए, और जिसके आधार पर फिर आरबीआई वो एक्शन ले सके। तो इसी के बाद आरबीआई के इस कहने के, इस स्टेटमेंट के बाद जो और बैंक है इन्होंने अपने स्टेटमेंट वगैरह है, अपनी एक्शन लेना शुरू किया। तो देखो जो एनपी की समस्या है, जैसे मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि समस्या क्रिएट कहाँ से होती है। जैसे कि ये मान लो विजय माल्या की हम एग्जांपल ले लेते हैं। विजय माल्या साहब ने बैंक से 100 रुपये का लोन लिया, ठीक है। अब बैंक से उन्होंने 100 रुपये का लोन ले लिया, और फिर वो लोन का जो भी ईएमआई वगैरह वापस पे करनी वो नहीं पे कर रहे, और वो पैसा लेके मतलब उन्होंने पैसा गबन कर लिया, पैसा नहीं चुका रहे हैं, तो वो क्या हुआ, बैंक के लिए वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गई। देखो बैंक की असेट क्या थी, कि बैंक ने विजय माल्या को पैसे दिए 100 रुपये, तो वो बैंक की असेट ही तो थी ना 100 रुपये। अब वो पैसा बैंक को वापस नहीं मिला, तो बैंक के लिए क्या होगा, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट, क्योंकि वो पैसा, वो जो 100 रुपये थे वो कोई उसके लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 0 हो गए उसके लिए, वो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि भाई उस विजय माल्या उसको रिटर्न ही नहीं कर रहा है। अगर विजय माल्या उस 100 रुपये को बैंक को रिटर्न नहीं करे, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक के पास ऑब्वियसली बैंक के पैसे वो कम हो जाएंगे। अब भाई आपसे अगर कोई पैसे उधार ले ले और आपको पैसे वापस नहीं दे तो आपका तो लॉस हो गए ना, वही बात सेम बैंक के पास हो जाती है। तो बैंक क्या करते हैं, फिर अपना जो खर्चा वर्चा चलाने के लिए क्या करते हैं, जो दूसरे बैंक, दूसरे कस्टमर वगैरह को लोन देते हैं ना वो महंगा देते हैं, क्योंकि अपना तो वो भरपाई करने की कोशिश करेंगे ना इधर से उधर से, कि यार चल ठीक है हम ज़्यादा महंगा लोन देते हैं ताकि हमारा पैसा वसूल हो जाए और हम मतलब घाटे की बजाय प्रॉफिट में आ जाएं। अगर आप ये बताइए कि अगर लोन महंगा मिलेगा तो आपको ऑब्वियसली पता है कि जो कस्टमर वो लोन लेंगे नहीं, अगर लोन नहीं लेंगे तो हमारी इकोनॉमी की हालत ख़राब होने वाली है। तो इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब एक तो बैंकों की हालत पहले ख़राब हो गई, बैंकों की हालत क्यों ख़राब होगी, विजय माल्या जैसे लोग हैं, नीरव मोदी जैसे लोग हैं, पैसा ले लिया, पैसा दे नहीं रहे, बैंकों के पास एनपीए बन गया वो पैसा, तो सरदर्द हो गया बैंकों का। इसके बाद बैंकों ने क्या किया, भाई लोन महंगा कर दिया ऑब्वियसली, कि अपने पैसे की भरपाई करने के लिए, कि चलो ठीक है हम इनसे पैसा कमाएंगे, तो उससे और ज़्यादा दिक्कत आ गई उनको। तो कुल मिला के हुआ क्या, कि हमारी इकोनॉमी है वो और ज़्यादा डामाडोल होने लग जाती है और बैंकों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये होता है बेसिकली एनपीए के इशू में। तो अभी आरबीआई ने जो अपनी गाइडलाइंस वगैरह जारी की थी, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश के 24 जो बड़े मेजर बैंक हैं इन्होंने इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है वो साइन कर लिया। ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या है ये हम देख लेते हैं, ये भी इस आर्टिकल में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का मतलब सीधा सीधा यही है कि देखो जैसे विजय माल्या लोन लेके गए थे बैंकों से, उन्होंने काफ़ी सारे से लोन लिया, वो लिया था। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने केवल एक ही बैंक से लोन लिया, उन्होंने 10-15 बैंक जो भी मतलब थे, 5, 6, 4, 2 जितने भी थे, उन्होंने उनसे लोन लिया था। जैसे मान लो कि उन्होंने 5 बैंकों से लोन लिया था और फिर वो फ्रॉड हो गया, उन्होंने एनपी पैसा उनका एनपी में बदल गया। अब क्या हो रहा है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो बेचने की कोशिश की जा रही है, बट उस प्रॉपर्टी से उतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो उससे एक चीज़ और सामने आ रही है, सभी बैंक ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो उसका पहले पैसा हमें दो। मतलब से एसबीआई कह रहा है कि भाई देखो ये पैसा ये पहले मेरे को दो, जो दूसरे बैंक जैसे कि दूसरे आईसीआईसी का एग्जांपल ले लो, आईसीआईसी कह रहा है नहीं भाई पैसा मेरे को दो, क्यों मेरा भी मैंने भी लोन दिया था। फिर कोई कह रहा है कि देखो पहले मैंने लोन दिया था विजय माल्या को तो मेरा पैसा दो। तो इससे क्या हो रहा है, दिक्कत ये आ रही है कि जो जितना भी पैसा मिल रहा है, जैसे मान लो कि 100 रुपये का तो लोन लेके भागा था
बट यहाँ पे मान लो कि 80 रुपये रिकवर हो रहे हैं, तो वो 80 रुपये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं जिन्होंने जिन्होंने लोन दिया था उन बैंकों के बीच में। तो इसके लिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है, वो अभी साइन किया है 24 बैंकों ने। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या, एक तो इनका डिसीजन बाइंडिंग हो जाएगा। इसमें ये प्रावधान किए गए कि या तो जो 24 बैंक है ना, ये अपनी मेजोरिटी के आधार पर कर लेंगे इसमें, या तो 2/3 मेजोरिटी के आधार पर कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है ये पैसा है पहले इस फॉर्म में, या तो डिवाइड हिस्सा डिवाइड हो जाए। जैसे उसका कि ये मान लो कि 80 रुपये रिकवर हुए हैं, तो जैसे जैसे उनका प्रॉफिट जो जैसे जैसे उनका हिस्सा लोन दिया हुआ था, किसी बैंक ने 10 रुपये लोन दिया था, किसी ने 20 दिया था, किसी ने 30 दिया था, किसी ने 40, ऐसे क्या होगा उसके आधार पर डिवाइड कर लिया जाएगा कि भाई 80 रुपये मिले हैं तो 80 रुपये को हम इसका 10% से डिवाइड करते हैं, इसका 15% से, इसका 20% से। तो जो घाटा होगा वो भी सब में डिवाइड हो जाएगा, प्रॉफिट भी सब में डिवाइड हो जाएगा। तो उससे ना किसी को लॉस होगा ना किसी को प्रॉफिट। तो ये इशू ये सेटलमेंट करने के लिए इंटर एग्रीमेंट इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है, वो बेसिकली 24 बैंकों ने भी साइन है वो किया है। इसके लिए प्रावधान किया एक तो कि जो कॉर्पोरेट लोन 50 करोड़ से ज्यादा का है ना, उसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है वो लागू होने वाला है। मतलब 50 करोड़ से ज्यादा का लोन है वो एनपी में बदल गया है, उसके ऊपर ये जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये वहां पे अप्लाई है, वो हो सकता है। इसके साथ ही फिर राइटर ये बता रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को भी और एक्शन लेने होंगे। जैसे गवर्नमेंट को क्या करना होगा, जो भी स्ट्रेस एसेट है उसको बैड लोन वाली बात की जा रही थी, तो बैड लोन है वो बनाया जाए, सॉरी बैड बैंक, और उस बैड बैंक के अंदर उस स्ट्रेस एसेट को ट्रांसफर किया जाए। इसके साथ ही जो स्ट्रेस एसेट हो गया जिसका अभी कोई रिकवरी वगैरह नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट को बायर वगैरह खरीदना होगा कि बायर का मामला सेट करना होगा। अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही थी बैड बैंक में, बैड बैंक में ये तो प्रावधान था ना कि भाई आप जैसे मान लो कि 1000 करोड़ रुपए का एनपीए है, तो गवर्नमेंट जो बैंक है वो बोल देंगे कि भाई आप हमें तो केवल 1000 करोड़ की बजाय आप तो हमें 800 करोड़ ही दे देना, 200 करोड़ रुपए आप रख लो और आप वसूली करो इन सबसे। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ी अपनी भागीदारी निभानी होगी, गवर्नमेंट को भी थोड़ी एक ट्रस्ट है वो क्रिएट करना होगा ताकि और अच्छा रिजल्ट हो आज के, और एनपीए का जो इश्यू है इसको दूर किया जा सके। इसके साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है बैंकों को वो भी लेके आने होंगे ताकि फ्यूचर में एनपीए जैसी समस्या इससे निपटा जा सके। तो ये बेसिकली कुछ प्रावधान यहाँ पे बताए गए हैं राइटर के द्वारा जिन्हें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो है ईरान के लेके। अब देखो ईरान का थोड़ा बैकग्राउंड हम डिस्कस करते हैं सारा सीन, तभी में और अच्छे से ये चीजें समझ में आने वाली हैं। जैसे कि ईरान के अंदर अभी हम करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है हसद रूहानी, जो कि आपको पता है मॉडर्निस्ट टाइप के हैं। इससे पहले ईरान में जो हसद रूहानी से पहले की जो सरकार थी, वैसे तो एक दशक से बात की जाए तो ईरान में हसद रूहानी की सरकार है, बट इससे पहले जो थी सरकार वहाँ पे, तो वो थी वहाँ पे एक्सट्रीम टाइप की थी। मतलब वो केवल एक्सट्रीम लेवल की थी, वो मॉडर्निस्ट टाइप की थिंकिंग की नहीं थी। तो अब क्या है, इसमें 2-3 पॉइंट एक ही आता है कि ईरान है वहाँ पे हसद रूहानी की भी सरकार है जो कि मॉडर्निस्ट टाइप के हैं। दूसरी बात है कि ईरान है वो एक्चुअली सिया सपोर्टर कंट्री है। मुस्लिम में दो डिवाइडेशन होते हैं, एक तो होते हैं सिया और एक होते हैं सुन्नी, तो ईरान है वो सिया को सपोर्ट करता है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात आती है कि आसपास की कंट्रीज की हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो ईरान के आसपास की कंट्रीज की बात करें तो सऊदी अरब भी हो गया, इसराइल भी हो गया, पाकिस्तान जैसी ये कंट्रीज हैं, और ये जो सऊदी अरब हुआ, इसराइल हुआ, कतर हुआ, ये जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं ये हैं सुन्नी सपोर्टर। और आपको पता है कि सिया और सुन्नी में कॉन्फ्लिक्ट वो बना हुआ रहता है, तो इसीलिए एक तो सऊदी अरब हुआ, इसराइल हुआ, इनकी क्या होती है ईरान से बनती नहीं है, मतलब इनकी ईरान से कॉन्फ्लिक्ट वो रहता है। एक तो रीज़न आपको बता दिया मैंने ये कि इनकी जो सऊदी अरब की लड़ाई है वो ईरान से क्यों है, इसी तरह पाकिस्तान की लड़ाई भी क्यों, वो हमने रीज़न यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हुआ क्या था, 1979 से पहले सीन ये था कि वहाँ पे जो सरकार थी ना ईरान में, वो थी एक्चुअली आप ये बोल सकते हो कि यूएसए की कठपुतली थी। मतलब यूएसए जिसकी सरकार चाहता था वही सरकार ईरान में बनती थी 1979 से पहले। तो इसलिए वहाँ की सरकार में काफी, वहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा हो गया कि यार हमारे तो कुछ चली नहीं रही, ये है वो है। इसके बाद ही क्या हुआ, वहाँ पे हुई ईरान रिवोल्यूशन हुई, ईरानियन क्रांति हुई, और उस क्रांति के बाद क्या हुआ, वहाँ पे मॉडर्निस्ट रिफॉर्म आने शुरू हो गए और यूएसए का वहाँ पे पत्ता कट गया। मतलब यूएसए की अब वहाँ पे तूती बोलनी बंद होगी। तो इसी चीज़ से एक तो यूएसए को दिक्कत आ गई कि यार हमारे तो वहाँ पे इज्जत थी वो सारी मिट्टी में मिल गई है, तो इसलिए तो एक ईरान की यूएसए के साथ नहीं बनती, एक तो रीज़न यहाँ पे ही आ गया। दूसरी जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है, सो सुन्नी कंट्री है वो बेसिकली अरब है, वो उनका हेड करता है। जैसे कि सिया जो कंट्री है, सिया भोल जो कंट्री है वो तो है यहाँ पे ईरान, और सुन्नी भोल कंट्री है वो है सऊदी अरब, और सऊदी अरब और ईरान की बिल्कुल नहीं बनती है, वो इसीलिए नहीं बन रही, एक तो रीज़न है यहाँ पे ये। इसके बाद में देखो सुन्नी ईर हो गया, यहाँ पे कौन होगा, सऊदी अरब, और सऊदी अरब क्या चाहेगा यार कि सुन्नी की वहाँ पे मेजोरिटी होनी चाहिए और सुन्नी की उस वाले एरिया में तूती बोले, जबकि ईरान कहते हैं नहीं कि यार सिया है ये ज़्यादा एक तरीके से हेड होने चाहिए और ये सिया लोग हैं ये यहाँ पे राज करने चाहिए, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो होता रहता है।
तो बात यह की जाती है कि जब ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी ना ओबामा प्रशासन के टाइम पे, ओबामा थे उस टाइम पे ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, काफी कंट्रीज को इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निभाना पड़ा था। और ऐसी बात नहीं है वो केवल यूएसए के लिए फायदेमंद थी, वो डील ऑल वर्ल्ड के लिए फायदेमंद थी, क्योंकि वो कंट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पे गई थी, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की डील थी, ना कि अकेले यूएसए की डील थी। उसमें P5+1, P5 का मतलब हो गया जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट है, वो 5 परमानेंट मेंबर है, वो इसके साथ एक था यहाँ पे जर्मनी जो कि यूरोपियन का एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, वो हो जाता है। तो इन 6 कंट्रीज ने मिलकर एक डील है वो साइन की थी, ताकि भाई ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसको एक तरीके से साइन किया जा सके और पूरे विश्व में शांति वो बनाई जा सके। और काफी मशक्कत के बाद ये सारा मामला सेट हो गया था। बट हुआ क्या, ट्रंप की सरकार जो ही आई, ट्रंप प्रशासन ने अपने पॉपुलिज्म वाले जो लोकल बहुमत का जो मोटो है इसको आगे बढ़ाया, और जो ट्रंप की जो डील, सॉरी जो ओबामा प्रशासन की जो डील थी ईरान न्यूक्लियर डील, उसका गुड़गोबर कर दिया, मतलब उसे खत्म कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे नुकसान बहुत ज्यादा होने वाले हैं, देखो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि पूरे विश्व में अनस्टेबिलिटी हो, बट यूएसए ने वहां पर एक शुरुआत है वो कर दी है। फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ और यूके, इनको E3 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों कंट्री का ये कहना है E3 कंट्रीज का कि भाई ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर डील की जो कंडीशन थी ना उनको सबको फुलफिल किया है, इसके बावजूद ये यूएसए की गलती है कि उन्होंने ऐसे किया। मतलब देखा जाए तो ईरान की यहाँ पे कोई डील कोई मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि ईरान ने जो न्यूक्लियर डील में जो कंडीशंस थी उन सबको फुलफिल किया, इसके बावजूद यूएसए ने कोई इधर उधर से बहाने मार के इस डील को कैंसिल है वो किया है। तो देखो अब ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी काफी सारे रीजन है। ट्रंप के पीछे रीजन एक तो देखो ये है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, ध्यान से सुनना, पीछे अहम रीजन एक तो ये होता है कि सुन्नी बहुल कंट्री कौन सी है, सऊदी अरब और इजराइल। और जब आप जानते हो कि सऊदी अरब और इजराइल है, इन दोनों की दोस्ती है वो यूएसए के साथ बहुत क्लोज है। अब ऑब्वियसली यूएसए इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहेगा, मिडिल ईस्ट वाले एरिया में इन दोनों को अगर वो नाराज नहीं करना चाहेगा तो क्या करेगा, वो इनको सपोर्ट करेगा। और आपको पता है कि सऊदी अरब और इजराइल की दोनों की ईरान के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, तो एक तो इसी रीजन से यूएसए वो ईरान के साथ में मतलब खिंचातानी वो बना के रखता है। दूसरी, जैसे मैंने आपको एक पहले रीजन बताया था कि वहाँ पे जो सरकार थी 1979 से पहले वो तो थी यूएसए के अकॉर्डिंग, इसके बाद यूएसए के वहाँ पे चलनी बंद हो गई, तो यूएसए को थोड़ी इगोहर्ट वाला प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद में एक अहम रीजन से मैंने आपको ये बता दिया, वो और भी हैं, जैसे पॉलिटिकल रीजन भी आप यहाँ पे ले सकते हो कि यूएसए अपनी यहाँ पे डोमिनेंस जमाना चाहता है, एनर्जी के लिए भी वो चाहता है यार ईरान वाला एरिया वो काफ़ी फायदेमंद है, तो क्यों नहीं इसके वाले फायदे का हम यहाँ पे यूज़ वो कर लें। एक रीज़न ये भी है कि भाई रशिया है और ईरान की दोस्ती बहुत क्लोज है, तो यूएसए नहीं चाहता कि यार रशिया की कोई भी सपोर्टर कंट्री वहाँ पे हो, तो इसलिए ये काफ़ी सारे रीजन हैं जिसकी वजह से यूएसए और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो मैंने आपको सारे रीजन यहाँ पे बता दिए, कुछ पॉइंट्स देखो यहाँ पे आर्टिकल में नहीं दिए गए हैं, बट फिर भी मैंने पहले के जो आर्टिकल्स हैं उनके आधार पे आपको सारा बैकग्राउंड अच्छे से बता दिया गया है। अब ये चाह रहे हैं यूएसए कि भाई हमारे जो अलायंस है ना, यूएसए के अलायंस कौन से हो गए बेसिकली, जैसे मान लो कि इस मिडिल ईस्ट में सवाल करें तो सऊदी अरब हो गया और इजराइल, कि इनके साथ हमारे रिलेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इसके लिए बेटर है कि हम इनको सपोर्ट करें। इसके साथ ही देखो कुछ और भी जैसे रीजन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो ईरान है ना उसके द्वारा 2-3 आतंकी संगठन है उनको सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि एक का नाम तो है हिजबुल्ला और एक का नाम है यहाँ पे होती रेबल। होती रेबल और हिजबुल्ला ये दोनों आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे, ये वैसे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जो हिजबुल्ला आतंकी संगठन है ना ये बेसिकली ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, ये बेसिकली मिलिटेंट ग्रुप बोल सकते हो, आतंकी संगठन एक ही मतलब हुआ। ये हिजबुल्ला है, ये एक तो लेबनान में काम कर रहा है, इसके साथ ही सीरिया में भी इसने एक काम है वो किया था। और जो होती रेबल है वो यमन में काम कर रहा है, ये हौती और ये हिजबुल्ला ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है कि ईरान के द्वारा सपोर्टेड है। अब एक चीज आपको बताऊं, गोलान हाइट एक जगह है जो कि पहले तो थी बेसिकली सीरिया की, बट जैसे आपको बताऊं एक सेकंड, कुछ ऐसा ऐसा इसराइल का मैप है, तो इसराइल के मैप में जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो है गोलान हाइट, और आपको बताया यहाँ पे सीरिया का बॉर्डर भी टच करता है। तो जो गोलान हाइट था ना पहले तो था ये सीरिया के पास, बट हुआ क्या, इसको इसराइल ने हड़प लिया था। तो अभी रिसेंटली देखा जाए तो गोलान हाइट है वो है इसराइल के पास। तो अभी इसराइल ने क्या किया, इस वाले एरिया के अंदर ये पाया कि भाई वहाँ पे हिजबुल्ला आतंकी संगठन ना वो यहाँ पे एक्टिव है। अब देखो ईरान की अगर ईरान द्वारा सपोर्टेड आतंकी संगठन अगर इसराइल के अंदर काम करेगा तो इसराइल को तो बुरा लगेगा कि यार हमारे देश के अंदर आतंकवाद भेज रहा है वो कहीं ना कहीं। तो एक इसीलिए भी इसराइल की है वो बिल्कुल भी नहीं बनती ईरान के साथ। तो मैंने कुछ रीजन आपको यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे अगर वो आतंकी संगठन पहुंच गया है तो ऑब्वियसली इसराइल को खतरा होने वाला उस चीज से, तो इस चीज को लेके वो यूएसए को अंगुली कर रहा है कि भाई आप हमारी हेल्प वगैरह कीजिए, ऐसे सपोर्ट कीजिए। तो उसकी वजह से यूएसए के द्वारा बेसिकली एक्शन लिए जा रहे हैं कि भाई ईरान को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा सके। क्योंकि जैसे आपको बताऊं कि ईरान है वो अपने डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी उसके मुताबिक कुछ ऐसी बातें हुई थी, तो ईरान अभी भी उन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बट ईरान की एक पॉलिसी है वो है फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन। ये फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन क्या है हम देख लेते हैं। इस डिफेंस जो डॉक्ट्रिन है इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ईरान खुद तो जो है ना आर्मी वगैरह अपने देश में डिफेंस वगैरह वो तैयार नहीं करेगा, बट वो क्या करेगा आसपास के एरिया में जो सपोर्ट है वो करेगा। जैसे कि उन्होंने क्या कर रखा है यमन के अंदर जो हौती रेबल वो बना रखा है, मतलब उसको सपोर्ट करते हैं।
जैसे कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करते ना, उसी तरीके से उन्होंने हाउती रिबल्स को क्रिएट कर रखा है। इसके बाद में लेबनान में उन्होंने हिजबुल्ला को क्रिएट कर रखा है, सीरिया में हिजबुल्ला को एक्टिव हो कर रखा है। इसी के साथ सीरिया की जो हसरत फोर्स है उनको भी बेसिकली जो हिजबुल्ला आतंकी संगठन इसके द्वारा सपोर्ट है वो दिया हुआ जा रहा है। तो ये सारा सीन वहां पे चल रहा है। अगर सपोर्ट दिया जा रहा है तो उसका फायदा क्या होगा? अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ईरान को इससे क्या फायदा होने वाला है। देखो, इससे ईरान को ये फायदा होने वाला है कि इन केस ऑफ फ्यूचर अगर ईरान को कभी भी जरूरत होती है डिफेंस की, तो वो इन दोनों संगठनों से अपनी हेल्प है वो ले सकता है कि हाँ भाई हम आपको हेल्प करते हैं, तो अब आप आइए और हमारी हेल्प वगैरह कीजिए। तो मतलब कहीं ना कहीं वो इसको आर्मी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बेसिकली ईरान के द्वारा जो फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन है इसके ऊपर फोकस है वो किया जा रहा है। तो ये सारा सीन है। इसके बाद में देखो, बात ऐसी है, अभी आपको बताया कि जैसे सीरिया के अंदर जो क्राइसिस चल रहे थे तो उस दौरान क्या हुआ था, असद वहाँ पे काम कर रहे थे, असद रेजिम, और असद को सपोर्ट कौन कर रहा था? असद को ईरान सपोर्ट कर रहा था, रशिया भी सपोर्ट कर रहा था। बट जैसा मैंने आपको बताया कि जो असद रेजिम है उसके साथ ही जो हिजबुल्ला आतंकी संगठन है वो भी मिल गया और उसने इसराइल के ऊपर जो गोलान हाइट्स वाला एरिया उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, तो इसलिए इसराइल को इशू वगैरह क्रिएट होगा। तो इसराइल कह रहा है कि भाई देखो हम ईरान के जो मिलिटेंट ग्रुप है इनके ऊपर हमला वगैरह करने वाला है। ये सारा सीन वहां पे चल रहा है। तो यही सारी बातें इस वाले में बताई गई हैं कि देखो ईरान न्यूक्लियर डील का कॉन्सेप्ट बताया गया इस आर्टिकल में कि क्या क्या डायमेंशन वहां पे चल रही है। तो मैंने आपको जो भी डायमेंशन थी वहां पे सारी सारे एंगल आपको यहां पे क्लियर है कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है यहाँ पे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है स्मार्ट अर्बनाइजेशन के बारे में। देखो बात ऐसी है कि आज के टाइम पे सिटी है ना, इसके अंदर पॉपुलेशन और आप देखो तो सारी चीजों पे लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत तेजी से पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे स्पीड है वो पॉपुलेशन की बढ़ रही है। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है, इससे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो जो अर्बन एरिया बोल सकते हो कि जैसे सिटी है उसके ऊपर काफी बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि देखो सिटी में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वहां पर पानी की फैसिलिटी देख लो या बिजली की फैसिलिटी या और तरह की रिसोर्सेज देख लो, अगर उन पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा, अगर वहां पर एक्स्ट्रा भीड़ जाएगी तो ऑब्वियसली उन चीजों को मैनेज करने में काफी दिक्कत आएगी। और यही हालात हो रहा है इंडिया की सिटीज का कि वहां पे पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा जल्दी से माइग्रेट कर रही है और इसकी वजह से सिटी की जो हालत है, सिटी के जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चरमरा रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो गया सप्लाई के मुताबिक में, इसलिए सारा कॉन्सेप्ट वहां पे धड़ाका धड़ा रह गया। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो हमें स्मार्ट अर्बनाइजेशन पे फोकस करना होगा, अगर हमें अर्बन एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट करना है, रिफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें रूरल एरिया के ऊपर भी थोड़ा फोकस हो करना होगा, क्योंकि लोग रूरल एरिया से तो अर्बन में जाते हैं ना ताकि यार हम वहाँ पे अच्छे इकोनॉमिक रिसोर्सेज देख लें और वहाँ पे जॉब वगैरह या अपना इकोनॉमी का या हमारी इनकम का साधन है वो अरेंज कर सकें। अगर गवर्नमेंट रूरल एरिया के अंदर ही ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट कर दे या रूरल एरिया को ऐसा डेवलप कर दे कि वहां से लोगों को सिटी में जाना ही नहीं पड़े, तो एक तो सिटी पे बोझ वो कम हो जाएगा, इसके साथ ही जो रूरल एरिया है उनका भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी देश की गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट इसमें जो काम हो रहा है ना अभी वो बहुत ढीला ढाला हो रहा है, जिस स्पीड से जो काम होना चाहिए वो अभी बहुत धीरे हो रहा है। माइग्रेशन है उसकी वजह से जो सिटी है ना उनके ऊपर प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। और आज के टाइम पे देखा जाए तो सिटी में बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बेंगलोर की जो लेक है उसके अंदर आग लग जाती है, या फिर बॉम्बे में देख सकते हो कि फ्लड का इशू रहता है। अब देखो फ्लड के इशू के अंदर माइग्रेशन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। कैसे होता है, जैसे कि कुछ ऐसे जो सिटी के अगर ड्रेनेज वाले एरिया है जहाँ से सिटी का पानी बाहर जाता है, अगर उस वाले एरिया में आप कंस्ट्रक्शन तैयार कर लोगे अवैध इलीगल तरीके से, तो क्या होगा, पानी बाहर नहीं जा पाएगा, वो सिटी में बाहर जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं फ्लड के लिए इलीगल माइग्रेशन है वो भी जिम्मेदार होता है, पॉपुलेशन भी जिम्मेदार होती है, हर किधर इधर उधर टेढ़े मेढ़े घर बना लिए बिना किसी परमिशन के, तो पानी बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये भी इश्यू हो गया। ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है, भाई सिटी के अंदर तो लिमिट होती है ना हर चीज़ की, कि एक रोड पे इतनी देर में इतनी बसें जा सकती हैं, अगर ज़्यादा बसें चलेंगी तो ट्रांसपोर्ट का इशू आएगा, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाया, बट इस कॉन्सेप्ट में जो सही ढंग से काम वो हो नहीं रहा है। जो हमें स्मार्ट सिटी की डिमांड है वो हमारी बहुत तेजी से हो रही है, तो इसलिए बेटर होगा पहले तो हमें जो रूरल एरिया से माइग्रेशन हो रहा है ना उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोकना होगा। उसके रोकने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके लिए एक तो यह कि रूरल एरिया पे थोड़ा डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, मतलब हमें गांव के अंदर एनर्जी इकोनॉमी रिसोर्सेज हैं वो तैयार करने होंगे, गांव के अंदर किसानों की इनकम है वो थोड़ी बढ़ानी होगी ताकि किसानों को भी इससे बेनिफिट मिले। अगर देखो किसानों की इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्यों शहरों की तरफ माइग्रेट करेंगे भाई, अगर उनका काम गाँव में चल रहा है तो शहरों की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी इनकम फिक्स हो जाएगी। इसके साथ ही रूरल एरिया में हमें स्किल है उसका काम भी करना होगा, क्योंकि देखो अगर हमारे देश में रियल में देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्किल की है। आज के टाइम पे लोगों के पास बीटेक की डॉक्टर की सभी डिग्रियां हैं, बट उनके पास स्किल नहीं है उस चीज की, और कंपनियों को चाहिए स्किल की, भाई आपको काम करना आना चाहिए। दिक्कत क्या है, उनको काम करना ही नहीं पता, उनके पास स्किल नहीं है, बस डिग्री ले ली, कॉलेज जाते हैं नहीं जाते हैं वो कोई इशू नहीं है वहां पे। तो मतलब हमारे देश में सबसे बड़ा इशू है वो स्किल को लेकर, तो इसलिए हमें रूरल एरिया में स्किल है वो क्रिएट करनी होगी। इसके साथ ही साथ सिटी के अंदर में भी हमें स्मार्ट वर्क है वो करना होगा ताकि जो बोझ है सिटी का वो हम कम कर सकें।
फिर राइटर थोड़ा यहाँ पे डाटा दे रहे हैं कि देखो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम हमारे देश की, तो हमारे देश में एक आदमी पे एक साल में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो $17 पैसे खर्च होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक साल में $17 की बात। और अगर बात करें हम चाइना की तो चाइना में खर्च किए जाते हैं $116। बात करें अदर कंट्रीज की तो वो आती है $100 के आसपास या $110 के आसपास। मतलब क्या है, इंडिया तो उस चीज से बहुत बहुत पीछे, कई गुना पीछे है। तो इसीलिए राइटर ये कह रहे हैं कि हमारे देश में फंड और इसके साथ स्किल दोनों ही चीज़ों की जरूरत है, गवर्नमेंट को दोनों चीज़ों पे फोकस है वो करना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि अर्बन पॉलिसी की। देखो अर्बन जो पॉलिसी है अर्बन सिटी की, वो हमें उसकी डिमांड के मुताबिक करनी चाहिए। जैसी डिमांड है वहाँ पे उसके मुताबिक हमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना होगा। जैसे वहाँ पे जितने रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज बहुत कम है और हम वहाँ पे ज़्यादा प्लान लेके चल रहे हैं। अगर देखो वहाँ पे रहने के लायक लोगों की जगह 100 लोगों की है तो हम 100 लोगों के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें फिर पानी की प्रॉब्लम वो होती रहे वहाँ पे। तो हमें सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोल सकते हो सब उसी के अकॉर्डिंग तैयार करने होंगे जैसे हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है वो कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ इस आर्टिकल में पॉइंट है वो दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्टार की पावर को लेके, कि जो फिल्मी स्टार वगैरह होते हैं इनकी पावर क्या है। तो देखो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कुछ फिल्मी स्टार हैं वो बेसिकली आपको पता है कि मतलब बिना किसी पैसे वैसे लेके एडवर्टाइजमेंट फ्री में सोसाइटी के लिए भले के काम करते हैं। जैसे बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अमिताभ बच्चन का कि वो बिना किसी पैड एड है वो मतलब बिना किसी पैसे लेके वो फ्री में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, रियल चीज़ें वो सामने लेके आते हैं। जैसे कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में भी अपना काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो निभाया था। इस प्रकार यहाँ पे बातें हुआ है। फिर यहाँ पे जो अहम बात आती है हमारे लिए वो आती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, उसकी रिपोर्ट के अंदर ये है कि हमारे देश में स्टार की पावर काफ़ी अच्छी है, उसके बावजूद भी देखा जाए तो फिर भी हमारे देश में 38% जो बच्चे हैं ना वो स्टंटिंग से पीड़ित हैं। स्टंटिंग का मतलब ये हो गया कि बच्चे की जो हाइट है ना, बच्चे की जो एज है उसके एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट नहीं है। जैसे बच्चे की एज हो गई अब 10 साल और 10 साल के अंदर उसकी हाइट ये मान लो कि होनी चाहिए 4 फीट, बट उसकी हाइट उतनी नहीं है तो वो होगी स्टंटिंग की प्रॉब्लम। इसके साथ बात आती है अंडरवेट। अंडरवेट का मतलब ये हो गया कि जितनी उसकी हाइट है उससे कम वेट है। ये मान लो उसकी हाइट है 5 फीट, वेट है उसका 30 किलो, तो वो भी कहने की अंडरवेट हो गया। तो ये बात यहाँ पे होगी। फिर बात आती है वेस्टिंग की। वेस्टिंग का मतलब ये हो गया वो है कि जितनी हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग वेट नहीं है। अगर भाई हाइट बंदे की 5 फीट है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट भी तो होना चाहिए ना, वो हो गया वेस्टिंग की। तो फिर यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखो कुल ऑल ओवर देखा जाए तो हमारे देश में जो बच्चे हैं जो हैं उनका ऑल ओवर एक तरीके से मेजरमेंट करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो कुपोषण से या माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं। अंडरवेट हैं कुछ, कुछ बोल रहे हैं तो यहाँ पे ओवरवेट आ गए, कुछ वेस्टिंग की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, कुछ स्टंटिंग की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। तो इसके लिए राइटर ये कह रहे हैं कि एक कहने की एक भी से एक चीज़ जिम्मेदार है, वो क्या है यहाँ पे, वो है पेट्रियार्की सिस्टम। पेट्रियार्की सिस्टम का मतलब ये कि पुरुष प्रधान समाज, ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत अहम रीज़न है कि हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है, मतलब मेन और वुमेन में जो भेदभाव होता है हमारी सोसाइटी में, वो सबसे बड़ा अहम कारण उसका पेट्रियार्की सिस्टम ही माना जाता है। पेट्रियार्की सिस्टम क्या है, इसमें यह पुरुष प्रधान, मतलब जैसे घर में खाना बना तो पहले पुरुष है मेल है वो खाना खाएंगे, फिर बचा हुआ जो खाना है वो फीमेल को खाना होता है। अब आपको पता है अगर खाना बचा हुआ तो कई बार खाना कम बचता है, कई बार उसमें न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं होते हैं बचे हुए खाने में, तो उससे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। अगर लास्ट में बचा हुआ खाना खाना अगर फीमेल को खाना पड़ रहा है तो उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ का इश्यू भी रहेगा। वुमेन को इसी के साथ एनीमिया की पीड़ित, आई मीन एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। लगभग देखा जाए तो हमारे देश में तो 50-60% जो वुमेन है इनको एनीमिया की प्रॉब्लम, मतलब ब्लड की उनमें कमी है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर ढंग से खाना नहीं मिल पाता है। तो ये सारी रिपोर्ट क्या कह रही है कि गवर्नमेंट जो स्टार के द्वारा प्रचार किया जा रहा है इन रिपोर्टों की तरफ भी फोकस करना चाहिए ताकि इस दिशा में भी कुछ कदम है वो बढ़ाए जा सकें। अगर देखो जो फिल्मी स्टार वगैरह या फिर और भी आप किसी तरह के स्पोर्ट्स के स्टार ले लो, अगर वो इस दिशा की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिल सकता है और हमारी सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म है वो लेके आ सकते हैं। तो ये बेसिकली राइटर के द्वारा यहाँ पे पॉइंट है वो दिए गए हैं। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने कल की PDF और आज की दोनों की PDF वहाँ पे अपलोड कर दी है। कल PDF अपलोड नहीं हो पा रही, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है वो चल रहा था, तो आज मैंने दोनों PDF वहाँ अभी तक अपलोड है वो कर दिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।